हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके जो कमेंट आते हैं उससे हमें और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स फैमिली में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ व्रत की थाली रेसिपी। इसमें मैं आपको साबूदाना पोटैटो रोस्टी और आलू टमाटर की सब्ज़ी जो व्रत में हम खाते हैं वो मैं शेयर करूँगी। और मैंने बनाया है रायता, उसका रेसिपी मैंने शेयर इसमें नहीं करूँगी। तो आप लोग इसको आप कभी भी खा सकते हैं, व्रत में भी खा सकते हैं, अगर ब्रेकफास्ट में आपका मन है तो भी बना के खा सकते हैं। और ये बहुत ही कम ऑयल में बन जाता है, बहुत डीप फ्राई की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए मैं बताती हूँ। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है पोटैटो और टोमेटो, और यहाँ पे कोरिएंडर लिया है मैंने। और इसको आलू को हम मैश कर लेंगे और टमाटर को मैंने ग्राइंड कर लिया है। और उसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें घी डालेंगे, जीरा डालेंगे, उसके बाद जो ये टमाटो का पेस्ट है वो डाल देंगे। और इसके बाद हमको इस टमाटो के पेस्ट को अच्छे से भुनना है, तब तक कि जब तक कि ऑयल अच्छे से सेपरेट नहीं हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, और जब भून जाएगा उसके बाद उसके अंदर हम जो पोटैटो मैश किए हैं वो ऐड कर देंगे। साल्ट टेस्ट के अनुसार ऐड कर देंगे और जितना हमें ज़रूरत हो उतना वाटर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने वाटर भी ऐड कर दिया है और जो कोरिएंडर चॉप करके रखा था वो भी मैंने ऐड कर दिया है। और इसको उसके बाद हम अच्छे से पका लेंगे, और उसके बाद दो तीन बार चेक कर लेंगे, फिर उसको हम कवर कर देंगे। तो यहाँ रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है, बहुत ही टेस्टी बनती है। बहुत सिंपल है लेकिन टेस्ट उतना ही अच्छा है। और इसको हमें घी में ही बनाना है, ऑयल यूज़ नहीं करना है, और घी में ही ये टेस्टी बनती है। फास्ट है तो घी में बनाए तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है। तो इसके बाद मैं आपको साबूदाना पोटैटो रोस्टी के लिए मैंने साबूदाने को 3-4 घंटे के लिए भिगो दिया था, और थोड़े से पानी में मैंने भिगोया था। ज़्यादा पानी नहीं डालना, नहीं तो गल जाएगा। भिगोने के बाद इसको हमें रख देना है कवर करके, और फिर हमारा साबूदाना देख सकते हैं अच्छे से फूल गया है। उसके बाद हम यहाँ पर लिए हैं कुट्टू का आटा। आप कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, कोई सा राजगीरे का आटा, कोई सा भी आटा ले सकते हैं। और उसके अंदर मैंने डाला है स्वाद के अनुसार नमक, और थोड़ा मैंने जीरा डाला है। उसके बाद इसको अच्छे से हमें मैश कर लेना। आलू को हमको कद्दूकस कर लेना है ताकि उसमें गांठे नहीं रहे। उसके बाद हमें अच्छे से इसको मिला लेना है। तो यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया, आप देख सकते हैं किस तरह से हमें मिक्स करना है। इस और इसको हमको बिल्कुल जैसे कि हमें डो रेडी नहीं करना है, डो से थोड़ा सा वैसा रखना है ताकि हम उसको रोस्टी को पराठे के स्टाइल में बनाएंगे तो अच्छे से बनेगा। तो यहाँ पे रेडी हो गया है। तो इसको हम हाथ में लेंगे, लोई बनाएंगे, और उसके बाद हमें ऐसे से हाथों की हेल्प से इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है। और बड़ा करने के बाद हमें तवे पर सेक लेना है इसको, थोड़ा थोड़ा ऑयल या घी जो भी आपको पसंद हो लगा के, और दोनों साइड से हमें अच्छे से कुरकुरा क्रिस्पी सेक लेना है। तो ये हमारी रोस्टी रेडी हो गई है। तो मैं सर्व कर लेती हूँ। तो हमने इसको अच्छे से सेक लिया था, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर टेक्सचर आया है, और बहुत ही टेस्टी बना था ये। और व्रत के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ऑयल घी भी इसमें नहीं यूज़ हुआ है, और आप इस तरह से बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये रेसिपी मैंने पिक की हेल्प से बनाई है, लेकिन मैंने मेथड पूरे अच्छे से आपको बताया है कि कैसे क्या करना है। तो आप ज़रूर ये रेसिपी को ट्राई कीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी लगी। तो अभी नवरात्रि चल रही हैं तो आप इसको बना सकते हैं, और अगर आपको पसंद आती है तो शेयर, लाइक शेयर, कमेंट करें। और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू।